हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को बताया, मैं आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एमएस साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एमपीसी 003 का, जो कि है दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से हमने और भी क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया हुआ है एंड पूरा साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी के सारे क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। ये देख सकते हैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2018 MPC 003 का पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट का ये पेपर है। इसमें देख सकते हैं आपका टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है 50। ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी सेक्शंस जो हैं वो कंपलसरी हैं। अब इसमें देखते हैं कितने सेक्शंस हैं। तो इसमें देखो पहला सेक्शन आपके सामने दिख रहा है, सेक्शन नंबर ए। ये क्या कह रहा है, इसके अपने कुछ नोट्स हैं जैसे कि देख सकते हैं, एंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 450 वर्ड्स, यानी कि इनमें से किन्हीं दो क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें देना है, जो है 450 वर्ड्स में। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं पर्सनैलिटी को, उसके बारे में बात करनी है। बी नंबर क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन कारन हॉर्नी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कारन हॉर्नी ने पर्सनालिटी को लेकर के कुछ थ्योरीज दिया हुआ था, उसको डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी, डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ साइकोलॉजिकली मैच्योर एडल्ट एज स्टेट बाई एलपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एलुसिडेट इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है उसको डिस्क्राइब करो, उसके जो स्ट्रेंथ है उसके जो वीकनेस है उनको एलुसिडेट करना है। तो ये हैं आपके सामने चार क्वेश्चंस, इन चार में से किन्हीं दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कितने क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन का। तो जो भी इसमें से आपको ईजी लगता है, जो भी आपको आसान लगता है, उस क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हैं। जो है इन चार में से दो क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन के लिए 20 नंबर, तो दो क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएंगे 40 नंबर। तो ये है आपका पहला सेक्शन। अब आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन आपके सामने दिख रहा है, सेक्शन नंबर बी। इसमें कह रहा है कि आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स, यानी कि इनमें से किन्हीं चार क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। आप देख सकते हैं आपके पास पहला क्वेश्चन है आपके पास, एलुसिडेट गिलफोर्ड्स ट्रेड थ्योरी। गिलफोर्ड ने ट्रेड थ्योरी दिया हुआ था पर्सनैलिटी को लेकर के, उसको एलुसिडेट करो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन डेवलपमेंटल इपोक्स, डिस्क्राइब जो है सुलिवन्स डेवलपमेंट अप्रोच या अप्रोच। तो ये आपके सामने दिख रहा है 6th नंबर क्वेश्चन, ये आपको करना है। या फिर 7th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, एलिवेट जो बैंड्रस थ्योरी है इसको लेकर के, उसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे, इलुसिडेट द टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को लेकर के जो टाइप थ्योरी है उसको एलुसिडेट करना है। एंड 5th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द पर्पज एंड टाइप्स ऑफ कास्ट केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जो होता है उसके पर्पज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका ये है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पांच क्वेश्चन है, जिनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, 4 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर, 6 नंबर। तो 4 क्वेश्चन के लिए आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। 1 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो जो भी आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। ओके, इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में क्या है आपका, कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कि इनमें से किन्हीं दो का आंसर आपको लिखना है 100 वर्ड्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं जो है 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन्फेंट साइनस, जो एक इन्फेंट में साइनस होता है उसके पीछे बताइए रीजन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्स्ट्रावर्जन एंड कंट्रोल जो है कॉर्टिकल अराउजल वो क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रिलायबिलिटी इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में रिलायबिलिटी क्या है इस चीज के बारे में बताइए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं 6 एंड 24 30 मार्क्स आपके यहाँ से बनते हैं, एंड 30 मार्क्स के बाद आपका बनता है 20 मार्क्स यहाँ से। तो इस तरीके से 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर ही होता है। तो ये था आपका दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर एमएस साइकोलॉजी पेपर नंबर 3 का, एमपीसी 003 का। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।